एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो दिस इज़ रियली अ बून. हर एक्टर चाहता है कि उसका शो लंबे वक्त के लिए चले, और ख़ास करके हमारा ये शो जिसका ये बार बार हम लोग जो नए सीज़न के साथ आते हैं, सो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये हमारी फैमिली है. कुछ पिछले 2 साल से हम लोग यही करते आ रहे हैं, सो बहुत खुशी की बात है कि ये फिर से शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादा एंटरटेनिंग है. मैं चाहता हूँ कि होप करता हूँ कि ऑडियंस को बहुत ही मज़ा आएगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दें. और साथ में ये कहना चाहूँगी कि ये रीलॉन्च नहीं है, जैसे कि हम एक परिवार है, नंदू ने कहा, उससे भी बड़ा परिवार हमारी ऑडियंस है, जिसकी वजह के प्यार की वजह से हम दोबारा आए हैं. सो इट्स नॉट अ रीलॉन्च, इट्स एक्चुअली कमिंग बैक फॉर देम बिकॉज दे लव्ड अस सो मच. इतना प्यार मिला है कि हम वापस आ गए हैं फिर से वही नादानियाँ करने के लिए और एंटरटेनमेंट के साथ. आई होप कि ऑडियंस इससे इस बार भी हमें ज़्यादा प्यार देगी. इस बार ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मसाला लेके आने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अब तक उन्होंने दिल्ली का रंग देखा, अभी हम उनको मुंबई का तड़का डाल के देने वाले हैं. और अभी नंदू भाई अपनी राइटिंग से और पप्पू अपनी एक्टिंग से बहुत एंटरटेन करने वाले लोगों को, क्योंकि ये दोनों ही एक नंबर के बुद्धू हैं और इनकी हरकतें देख के लोगों को बड़ा मज़ा आता है. इसलिए ये शो भी वापस आया क्योंकि लोग चाहते थे. और मतलब पिछले कुछ 6-7 महीने हमारा जो गैप रहा, उस 6-7 महीनों में हम लोगों को लगातार मेल्स आते थे और उनके हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी उनके सबकी डिमांड्स आती थी. तो फाइनली जब हम आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस ऑडियंस को और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे और उनके लिए बहुत अच्छा शो बने. जी देखिए, कॉमेडी का इम्पोर्टेंस सीरियसली बहुत ज़्यादा है. जैसे मैं अभी हाल ही की एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एक मेडिकल स्टोर में गया था यहीं वर्षों आके, तो वहाँ का जो मेडिकल वाला था वो बंदा, आई वॉज सो सरप्राइज, उसने बोला सर आपका शो बंद क्यों हो गया, क्योंकि पूरे दिन के काम करने की थकावट के बाद जब हम घर जाते हैं तो हम टीवी खोल कर देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा मिले जो आपको अच्छा बेटर फील कराए, आपको हंसाए, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकें. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉमेडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पूरे स्ट्रेस को आपको रिलीज़ करने में मदद करता है, खुद हंसाता है, और सबसे बढ़िया बात है उसकी कि आप पूरे परिवार के साथ मिलकर देख सकते हैं. जैसे कि नंदू ने बिल्कुल सही कहा, ये एक डेली सोप है जिसमें ग्लिसरिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी. तो अब जब आप घर वापस जाते हो, सिर्फ आप ही नहीं मुस्कुराते, आप इस बात की संतुष्टि होती है कि जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनके भी चेहरे पे आप हंसी और मुस्कान ला सकते हैं, उनकी स्ट्रेस को, लाइफ को भी आपके ये कॉमेडी की वजह से स्ट्रेस कम किया है. सो वो एक अचीवमेंट लगता है कि यस वी हैव डन समथिंग. आंसू आएंगे लेकिन हंसते 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 आंसू. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आजकल हर कोई एक वो मूवमेंट तलाशता है कि जहाँ वो थोड़ा सा हंस सके, क्योंकि स्ट्रेस सबके ज़िंदगी में बहुत है. और हमारी अब तक मतलब ये अचीवमेंट रही है कि हमने लोगों को हंसाया है, और हम वही चाहते हैं कि हम और हंसाएं. और कॉमेडी शोज़ आजकल मतलब मैं भी अगर घर जाता हूँ तो मैं टीवी सोप नहीं देखता हूँ डेली सोप, लेकिन हाँ अगर कॉमेडी शो आ रहा होता है तो आई लव टू वॉच. देखिए मैं अगर आप मुझे पर्सनली कहें तो आज के दौर में जहाँ 2017 आने वाला है, लिमिटेशंस होनी चाहिए क्योंकि आप पूरे परिवार के साथ बैठकर ज़रूर देख रहे हैं. बट अभी अभी का जो दौर है, आजकल के बच्चे और सब लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए, सब कुछ समझते हैं, तो लिमिटेशन होनी चाहिए. बट आई थिंक एक लेवल तक, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन करके कि ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा. सब लोग पढ़े लिखे हैं आज के दौर में, तो ठीक ठाक ही हो तो बेटर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो नादानियाँ हैं वो लिमिटेशन के अंदर हैं, आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास सिचुएशनल कॉमेडी इतनी होती है कि हमें लिमिटेशन को क्रॉस करना या नहीं करना वो हमारे दिमाग में भी नहीं आता है. तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है दैट यू कैन लाफ, आप हंस सकते हो. ज़रूरी नहीं कि आप लिमिटेशन के दायरे में बाहर जाओगे तभी आप हंस सकते हो. तो हंसने का पैरामीटर हमारे लिए सेट है, और हमारी ऑडियंस उससे खुश है, हमारे लिए वो बहुत है. एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो हम लेकर चल रहे हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब किसी भी सेट ऑफ ऑडियंस को अच्छा ना लगे. एक छोटे बच्चे से लेके एक मतलब ओल्ड आदमी तक, मतलब एक बूढ़े आदमी तक, हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है. क्योंकि हमारे शो में ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो एक 82 साल के हमारे बूढ़े नेबर हैं भगवान अंकल, तो उसको देख के बच्चे भी खुश होते हैं और बड़े लोगों को भी बड़े पसंद आते हैं. उसके अलावा
जो मतलब हमारे टीनेजर्स जो हैं, जो आजकल मतलब इतना डिजिटल हो गया है सब कुछ और वो लगे रहते हैं अपने फ़ोन पे, वो लोग भी इसे पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग एकदम अप टू डेट रखते हैं अपने शो को। मतलब हमारे शो में इश्यूज भी वो उठाते हैं जो आजकल चल रहे हैं, और हमने कोई भी इसमें स्लैंग लैंग्वेज या कुछ भी अश्लीलता वाली तो कोई हमने कभी कोई चीज़ रखी नहीं और ना ही कभी रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब देखें और सब इन्जॉय करें। उपासना जी तो हमारी इतनी सीरे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात उनसे सीखने मिली है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कामयाब हो तो आप में कोई ईगो या एटीट्यूड जैसी नाम, वो इतनी खुद इतनी डाउन टू अर्थ है, हर सीन में हमारी मदद करती है बिल्कुल। मतलब जैसे एक को आर्टिस्ट से ज़्यादा एक फैमिली की तरह हमें समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो उनसे तो हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बस हम हमेशा ऐसे ही साथ में काम करते रहें बस। हमारी बहुत ही रोज़मर्रा की नादानियाँ हैं, वो छोटी छोटी बातों की नादानियाँ हैं। जैसे कि अगर मैं घर का खर्चा सब चलाती हूँ तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि मेरी कटौती कहाँ होगी, सब पैसे बचाती हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे दो लोग हैं जो बस यही सोचते रहते हैं कि भाभी या अपनी वाइफ से पैसे कैसे ऐंठना है। तो अगर मेरा 2000 का काम है तो ये 2500 में कैसे करके आते हैं, तो वो नादानियाँ हैं हमारे लिए। तो अगर सी इवन यू पीपल आर लाफिंग, तो उसके लिए हमें लिमिटेशन होने की, सिचुएशनल कॉमेडी इतनी आती है कि आप अचानक मतलब यू विल ऑलवेज लाफ, आपकी हंसी आएगी आएगी जी। उपासना जी बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं, बहुत सीजनड एक्टर हैं, और मेरे ख्याल से हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने साल का अनुभव उनका शेयर करने को मिल रहा है। मतलब उनके साथ हम जो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन स्पेस, और हम बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं रोज। सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है उनकी बहुत जिंदा दिल है, और उनके आते ही सेट पे एक वो जो ब्राइट सा माहौल हो जाता है ना, वो बहुत पसंद है। हम लोग हंसते हंसते ही काम करते हैं। थैंक यू।